मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने श्रावस्ती के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार आने के बाद हमने तय किया है कि आपदा में अगर किसी की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अचानक छोड़े गए पानी से बड़ी संख्या में गांव चपेट में आए। सरकार राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत कई टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश में 1000 से ज्यादा बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। साथ ही प्रदेश में 1000 से ज्यादा ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर बाढ़ प्रभावित लोगों को रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कटाव के क्षेत्रों में बचाव की तैयारी की जा रही है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम विशेष टीकाकरण करवा रही है। बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। बरसात के कारण जल अभाव की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जलप्लावन के कारण बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौगांवों की व्यवस्था भी की है। बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रैबीज का खतरा होता है तो एंटी रैबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है और सभी ऐसे सीएससी में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं कोई जनहानि होती है उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाएगा।